हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी टैली प्राइम की बात आती है तो आप ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने परचेस किया तो फिर अगर उधार की परचेजिंग है तो पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है तो रिसीव करेंगे कि पेमेंट करेंगे, इसमें कंफ्यूजन बराबर बरकरार रहती है आपकी। तो आज के इस वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि ये आपको कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी, ठीक है। जब भी आप परचेज करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग के बाद आपको पेमेंट करना होता है। अगर आपने कैश में परचेज नहीं किया है तो पेमेंट करना ही होगा। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हम यहां पर परचेज वाउचर में एंट्री पास करने जा रहे हैं, अगर आपने कैश में परचेज किया तो फिर आपका ड्यूज नहीं आएगा, क्योंकि आप सीधा सीधा यहाँ कैश का लेजर इंसर्ट कर रहे हैं और एंटर करके एंटर करके एंटर करके एंटर करके आते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देख लीजिएगा क्या करना है। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो है राइस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे 50 किलो राइस परचेज किया तो 35 रुपए के भाव से परचेज किया, और परचेज करने यहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो देखिए कितने का राइस परचेज किया गया, 1750 रुपए का 50 किलो राइस परचेज किया गया है 35 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर 1750 रुपए अगर आपने कैश दिए हैं वहां पर, तो यहाँ पर आपको कोई भी कैश में, यहाँ पे देखिए ये जो है 1750 रुपए की एंट्री है कैश वाली, देख सकते हैं। अगर इसको देखना है तो अल्ट पी करके एंटर करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये आपका जो है बिल ऐसा दिखेगा, इस तरीके से बिल जनरेट हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैश कर रखा है। यहाँ पर आपने क्या लिया, कैश लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पेंडिंग अमाउंट आपको शो नहीं होने वाला है। लेकिन यही चीज अगर क्रेडिटर पार्टी के थ्रू जाएंगे आप, तो आपको पेंडिंग अमाउंट शो होगा। कैसे दिखाता हूं। अगर आप पेमेंट में जाते हैं, देखिए परचेस करने के बाद तो आपको पेमेंट ही करना होता है, और अगर आप पेमेंट में जाते हैं तो यहां पर कोई भी आपको लेजर शो नहीं करेगा, क्योंकि कैश में पेमेंट किया, कैश में ही परचेस कर लिया तो पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यही चीज अगर क्रेडिटर पार्टी के थ्रू जाएंगे तो आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आया, एंटर किया, यहाँ पर आए। अब देखिए यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो एक बना लेते हैं अल्ट सी करके, ठीक है। और यहाँ पे मोनू नाम से बना लेते हैं, मोनू कर दिया हमने। और ये संडी क्रेडिटर का ग्रुप रहेगा यहाँ पे, तो संडी क्रेडिटर कर लीजिएगा, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी ही होती है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, फिर एंटर एंटर करके इसे भी करा लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया, यहाँ परचेज अकाउंट आ जाता है। और बाकी का यहाँ पे जो भी आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप भी परचेस कर रहे हैं और एक परचेस कर रहे हैं 29,000 का है, अभी यहाँ पे कैश का लेजर तो आया ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है मोनो क्रेडिटर पार्टी का हमें पेमेंट देखना। तो पेमेंट वाउचर में चलेंगे F5 प्रेस करके, तो पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। और जैसे ही पेमेंट वाउचर में आते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर अब आपको जो भी आपका लेजर होगा वो लेजर यहाँ पे नीचे शो करेगा। जैसे मान लीजिए मोनू था ना, पर बिल चेक करते हैं, जो बिल अभी आया है हमारे पास परचेज वाला उसको हम चेक करेंगे। 1750 रुपए का जो बिल था हमारा उसको चेक करते हैं। तो ये कैश का बिल है, देख सकते हैं ये कैश का बिल है 1750 वाला। लेकिन हमने जो किया यहाँ पे एंट्री पास करी है, अब देखिए यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी की जो एंट्री पास करी गई है मोनू के नाम से, ये देखिए ये रहा ये परचेज वाला, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बिल है और यही एंट्री हमने पास करी थी। तो एक डेस्कटॉप 29,000 का था, और अगर अब हम मोनू का लेजर, अब मोनू का लेजर ही इंसर्ट करना है पेमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से पेमेंट में आए और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं मोनू का लेजर। तो यहाँ पे मोनू का लेजर जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे ये है, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे अमाउंट आपको शो होने लगेगा जितना बकाया रहेगा। तो 29,000 का परचेस किया था तो वही अमाउंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे 29,000 आपको पेमेंट करने होंगे। तो पेमेंट कब करेंगे, जब आप परचेस करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, रिसीव कब करेंगे, जब आप सेल करेंगे तो पैसा रिसीव करेंगे, तो सेल्स के लिए F8 प्रेस करके जाना होगा सेल्स वाउचर में। अब मान लीजिए कैश में सेल नहीं कर रहे, कोई डेटर पार्टी आ रही है, तो यहाँ पे डेटर पार्टी की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डेटर पार्टी का लेजर भी लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे रौनित कर देता हूँ, रौनित, ठीक है। तो ये रौनित कर दिया, और ये सन्ड्री डेटर पार्टी है, क्रेडिटर नहीं बल्कि क्या है, डेटर है। तो यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर इंसर्ट किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और इसे एक्सेप्ट कराया, फिर एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट कराया, और यहाँ पर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ सेल्स का लेजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ये आप देखेंगे ये डेस्कटॉप है, ठीक है। अब इसी डेस्कटॉप को 10 हमारे पास है, तो हम एक सेल कर रहे हैं और एक 40,000 का सेल कर रहे हैं। तो जब सेल करेंगे ना, तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको पेमेंट रिसीव करना होगा, पेमेंट करना नहीं होगा। भाई ऐसा थोड़ी ना कि आप सामान भी दे देंगे और पैसा भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो अब पेमेंट हम रिसीव करेंगे, यानी F6 में जाकर के पेमेंट रिसीव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रौनित के नाम से बनाया था,
तो पेमेंट किससे रिसीव होगा, रौनित से रिसीव होगा हमें पेमेंट, यानी जो क्रेडिटर पार्टी है जो दुकानदार है उनको रिसीव होगा। तो कितना पैसा बकाया है 40,000। तो अगर मान लीजिए 40,000 दे देते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है, तो ये तभी आएगा जब आप इनेबल बिल वाइज डिटेल को चालू रखेंगे, तो आपको वो भी चालू रखना है। अगेंस्ट रेफरेंस पे अपने आप कर्सर आ जाता है, एंटर करिए। और मान लीजिए कि कैश में दिया जा रहा है ये पैसा, तो ये कैश कर सकते हैं आप, एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये वो एंट्री है। आई होप कि दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि क्या कंफ्यूजन आपको था और अब कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।